हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के, यहाँ पर जो स्कोर कार्ड भी साथ में जारी हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई है फाइनल, और यहाँ पर बात करें कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया, आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कितना बन रहा है और यहाँ पर आपको जो है रो स्कोर कितना है। तो स्कोर कार्ड चेक कैसे चेक करना वो इस वीडियो में बताना, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि स्कोर कार्ड जो है आप वैसे चेक नहीं कर पाओगे। लिंक कहाँ मिलेगी वो भी बता दूंगा या सीधा आपको यहाँ पर बता दूंगा आपको चेक कैसे करना है। तो गूगल पर चले जाना, गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है एसएससी। सर्च करने के बाद में आप पर आपको नीचे आ जाना है, सबसे पहले साइट आ रही है ssc.gov.in, इस पर नहीं जाना है, इस पर नहीं जाना है, ये नई साइट है। इससे नीचे वाली साइट है ssc.nic.in, ये पुरानी साइट है। इस पुरानी साइट पर चले जाना है ssc.nic.in वाली पर, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है वो यहीं से चेक हो रहे हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या है, ये साइट थोड़ी स्लो चल रही है, एक बार ओपन हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बहुत देर ट्राई करने के बाद में यहाँ पर जो है ये साइट ओपन नहीं हो रही है। आपको क्या करना है, जैसे ये साइट ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ से लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद में आपके जो है यहाँ पर ऊपर सेक्शन आएंगे, आपको लॉगिन के रजिस्ट्रेशन नंबर से करना है, नए वाले से नहीं करना है। जो पुराने वाले थे ssc.nic.in, तो आपके पहले रजिस्ट्रेशन नंबर थे उन्हीं से लॉगिन करना है, और उन्हीं से लॉगिन करने के बाद में जो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड वाला यहाँ पर लॉगिन होते हैं, स्कोर कार्ड वाला सेक्शन आ जाएगा, उसमें क्लिक करोगे तो उसमें एसएससी जीडी आ जाएगा। और वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर या तो आपको रोल नंबर मांगेंगे, शायद रोल नंबर और आपके जो पासवर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपका आपके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, वो क्लियर आ जाएगा। तो वहाँ से आप इजीली चेक कर पाओगे। अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, वरना आपको अभी यहाँ पर चेक करके दिखा दिया जाता, अभी दिखा देता। तो वहाँ से लॉगिन करके पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और पुराने वाले आपके पासवर्ड से लॉगिन करके, यदि पासवर्ड नहीं बता तो फॉरवर्ड कर सकते हो, ईमेल पर ओटीपी जाएगा या मोबाइल नंबर पर जाएगा, कन्फर्म नहीं है मुझे, तो वहाँ से लॉगिन कर लेना आप आसानी से, और वहाँ से स्कोर कार्ड जो है अपना डाउनलोड कर लेना। वहाँ से स्कोर कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा वहीं पर, तो SSGD का यहाँ पर स्कोर कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे वेबसाइट प्रॉपर चलना स्टार्ट हो जाएगी या तो आप चेक कर लेना, यदि नहीं हो पाता है तो कमेंट कर देना, मैं बाद में ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करना चालू कर देगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो आज के लिए ना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो अपडेट होता है वहाँ पर दे दिया जाता है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।